हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। तो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल में एक बार फिर से। जैसे आपको उत्तराखंड पुलिस भर्ती का इंतजार है, मुझे भी है, सारे उत्तराखंड को पुलिस भर्ती का इंतजार है, लेकिन वो कभी आने का नाम ही नहीं ले रही है। लेकिन 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 यहाँ पर उत्तराखंड के जो DGP हैं श्री अशोक जी ने उत्तराखंड का जो पुलिस का जो ऑफिशियल ट्विटर पेज पे है ट्विटर हैंडल है वहाँ पर उन्होंने एक बाइट दी है। वो क्या बाइट दी है, भर्ती कब आने वाली है, सब कुछ मैं आपको डिटेल बताऊंगा। तो मेरे साथ आप अंत तक बने रहिएगा, वीडियो को यार एक मिनट भी स्किप मत करना। तो चलिए चलते हैं उनके उत्तराखंड पुलिस के ट्विटर हैंडल पे, फिर आगे की बात करते हैं डिटेल में। तो फ्रेंड्स, ये देखिए हम आ गए हैं उत्तराखंड पुलिस के ट्विटर हैंडल पे। आप देख सकते हैं उत्तराखंड पुलिस का ये वेरीफाइड अकाउंट ट्विटर है। तो आपको कोई भी अगर दिक्कत फ्यूचर में आती है तो आप इन्हें सीधे टैग कर सकते हैं। हालांकि आप हमें भी ट्विटर पे फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप देखते हैं जस्ट 1 आवर एगो यहाँ पर इनका ये ऑफिशियल स्टेटमेंट आया। यहाँ पर उन्होंने लिखा है, कृपया # उत्तराखंड पुलिस की SI और कॉन्स्टेबल के पदों पर सीधी भर्ती प्रक्रिया संबंधित किसी भी प्रकार की अफवाहों पर ध्यान ना दें। कुछ अड़चनों के कारण थोड़ा विलंब हो रहा है। हमारे द्वारा काफ़ी कोशिश की जा रही है कि मई तक भर्ती प्रक्रिया शुरू हो जाए। यानी कि आप देख सकते हैं कि मई में ये ऑफिशियली भर्ती आने की पूरी संभावना है। इन्होंने कुछ बाइट दे रखी है, जो उन्होंने ये ऑफिशियल बाइट के तौर पर कहा है, इसका मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो वहां से आप इसको जो है देख सकते हैं। बाकी मैं यहां पर एक बार इसको जो है प्ले कर देता हूं, तो आप इनको बहुत अच्छे से ध्यान से सुनिएगा, फिर बाकी इनमें क्या कॉमेंट्स आए हैं वो भी हम यहाँ पर आपको बताएंगे। सुनिए। साथियों, आप सभी अवगत हैं कि उत्तराखंड पुलिस में निकट भविष्य में SI रैंक पर और कांस्टेबल रैंक पर भर्ती आने वाली है। इसको लेकर के कुछ लोग अफवाहें फैला रहे हैं। ये सच है कि जो शेड्यूल हमने पहले सोचा था उसमें कुछ विलंब हो रहा है। छोटी छोटी सी दो अड़चने हैं, एक SI रैंक में एक अड़चन है छोटी सी जिसको हम दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। इसी तरह से जो कांस्टेबल के लिए है उसमें जो रैंकर परीक्षा है उसका परिणाम घोषित होने में थोड़ा और समय लग रहा है। फिर भी मुझे उम्मीद है कि दोनों में जो है भर्ती प्रक्रिया दोनों की मई तक जो है शुरू हो जाएगी। तो कृपया करके अफवाहों पर ध्यान न दें और हम लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं कि जल्द से जल्द जो है विज्ञप्ति जारी की जा सके। तो फ्रेंड, आपने सुना तो मई तक ऑफिशियल है कि भर्तियां आ जाएंगी। तो किसी भी अफवाह पर आप ध्यान ना दें। अब बाकी जो है इनके वीडियो को आप करें शेयर से अधिक, इनको आप थैंक्स भी कह सकते हैं, जैसे मैं यहां पर इनको थैंक्स बोलना चाहूँगा। तो यहां पर भी इस तरह से आप जो है अपने कमेंट्स यहां पर दे सकते हैं, बाकी वीडियो को लाइक कर सकते हैं। आप देखें सर जी, एज लिमिट क्या होगी, बाकी सबको लेकर भी हमने एक डिटेल्ड वीडियो बनाया है। ऑब्वियसली इन्होंने पिछले अपने जो पहले इन्होंने बाइट दी थी उसमें जरूर कहा था कि एज को लेकर भी बात चल रही, एटलीस्ट 1 ईयर तो जो है उम्र बढ़ सकती है, ज़्यादा तो नहीं कहूँगा जो मेरी ऑफिशियल न्यूज़ मुझे मालूम चल रही है। ऑफिशियल 1 ईयर का एटलीस्ट जो है एज बढ़ सकती है। बाकी आप इस वीडियो को भी शेयर कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, मेरे कमेंट्स बॉक्स में भी आप जो है शेयर कर सकते हैं। बाकी मैं अपना ट्विटर हैंडल भी दे दूंगा, उसको भी आप शेयर कर लीजिए, मुझे भी फॉलो कर लीजिए, और मैं आपसे कहूँगा उत्तराखंड पुलिस की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसको भी आप फॉलो करिए। जो हमारे DGP सर हैं अशोक सर, उनका भी जो ट्विटर हैंडल है उसको भी आप जो है ऑफिशियल वहाँ से जो उनको फॉलो कर सकते हैं। तो बाकी वीडियो अच्छी लगी तो शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, और बाकी मुझे इंस्टा पर भी फॉलो कर लेना, ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोज पहाड़ी नौकरी पर मिलती रहती हैं। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में कुछ और अपडेट उत्तराखंड पुलिस भर्ती को लेकर, बाकी कॉपरेटिव भर्ती को लेकर भी, कॉपरेटिव बैंक की भर्ती को भी काफ़ी कमेंट्स आ रहे हैं। उम्मीद करता हूँ कि जैसे ही कुछ अपडेट मिलेगा आपके साथ हाजिर होगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।